पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही खौफ का माहौल है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई थी, जहां पर कुछ शार्प शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला को बीच सड़क पर भून डाला था। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पंजाब पुलिस पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। इस घटना के बाद सलमान खान और विकी कैटरीना कैफ तक को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सलमान खान ने तो अपनी खुद की सुरक्षा के साथ गन लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन अब खबर है कि पंजाब के फेमस गीतकार और सिंगर जॉनी को मारने की धमकी मिली है। दरअसल सिंगर जॉनी ने पंजाब पुलिस से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सिंगर का कहना है कि उनकी जान को खतरा है, उनको लगातार जान से मारने की धमकियां फोन पर मिल रही हैं। सिंगर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब पुलिस को इस संदर्भ में एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में सुरक्षा की मांग की है। अपने एक बयान में जॉनी ने बताया कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल उनकी और उनके मैनेजर के जान को खतरा है। इस मामले पर जानकारी देते हुए मैनेजर दिलराज ने कहा कि गीतकार ने सुरक्षा की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी है। लगातार उन्हें गैंगस्टर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जो कि बहुत ही परेशान करने वाली बात है। आपको बता दें कि जॉनी पंजाब इंडस्ट्री की जान है। उन्होंने कई बेहतरीन गानों को लिखा और गाया है, जिसमें बीप रॉक का गाना बड़ा पछताओ, सिंगर अफसाना का गाया तितलियां, किसी और कहूं फिलहाल और मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए शामिल हैं। बीप रॉक तो अपने गानों में जॉनी का जिक्र बार बार करते हैं। हालांकि सिंगर जॉनी ने ये नहीं बताया कि किस गैंगस्टर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल अब देखना होगा कि उन्हें अब सुरक्षा व्यवस्था कब प्रदान की जाती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए मीडियम न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।